वेलकम डियर स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 8 क्लास की सोशल साइंस की बात कर रहे थे और सोशल साइंस के अंतर्गत हमने तीसरे लेसन की शुरुआत कर ली थी। तीसरे लेसन के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है कि किस प्रकार किसान अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, भूमि सुधार करने के लिए एक नई व्यवस्था, उसको स्थाई बंदोबस्त कहते हैं, वो लागू करती हैं, लेकिन किसानों को उससे कोई ख़ास फायदा नहीं होता है। किसानों ने जिस उद्देश्य से स्थाई बंदोबस्त लागू किया था वो उनको उद्देश्य नहीं मिलता है, वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं होती है, समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं समय के साथ साथ में। तो फिर अंग्रेज़ों को लगा कि अब कुछ नई व्यवस्थाएँ लागू करनी चाहिए, कुछ नए बदलाव करने चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने नए बदलाव भी किए। खैर, अपना जो पाठ है वो तीसरा है। अब जो नए जो बदलाव हैं, अपन नए बदलाव को पढ़ेंगे। नए बदलाव किस में किए? जो स्थाई बंदोबस्त था उस स्थाई बंदोबस्त में नए बदलाव किए। अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी के अंदर सभी अधिकारियों को बुलाया, ये बात कि उन्होंने यकीन दिलाया कि जितने कंपनी के खर्चे हैं, अंग्रेज़ों के जो खर्चे हैं, अधिकारियों के जो खर्चे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं, कंपनी को अब पैसों की सख्त ज़रूरत है और इस स्थाई बंदोबस्त से कंपनी के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। स्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत उनको स्थाई रूप से एक निश्चित पैसा मिलता था, तो उनके खर्चे नहीं बढ़ते थे, खर्चे पूरे होते नहीं थे, जिससे कंपनी को लगा कि कुछ बदलाव करना चाहिए। उन्होंने बदलाव किया, तो बदलाव की शुरुआत की गई। सबसे पहले बंगाल के अंदर बदलाव की शुरुआत की गई। बंगाल का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, उसका जो उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी ने नई व्यवस्था तैयार की, जिसको 1822 के अंदर लागू किया गया। आपको ध्यान रखना है कि जो नए बदलाव हुए हैं इसमें अंग्रेज़ों को लगा कि नए बदलाव करने चाहिए, इसलिए जो हॉल्ट मैकेंजी है इसने एक नई व्यवस्था बताई, एक नई व्यवस्था तैयार की जो 1822 में लागू भी हुई। और ये जिस जगह पर की है वो बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उसका उत्तर पश्चिम जो इलाका है, उत्तर पश्चिमी इलाका जो वर्तमान में अधिकतर उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर यह व्यवस्था लागू की गई। हॉल्ट मैकेंजी का मानना था कि अगर हमको भूमि में सुधार करना है, अगर हमारे राजस्व में वृद्धि करनी है, तो हम कुछ नए बदलाव करना चाहते हैं। इसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो हमको राजस्व जिन गांवों से मिलता है, हमें उन गांवों की यात्राएं करनी पड़ेगी, उन गांवों में जा जाकर वहाँ उस गांव की जो ज़मीन है, उस गांव की जो खेती है, उस गांव में किस प्रकार की सिंचाई की सुविधाएं हैं, उन सबको मापना ज़रूरी है, उनको देखना ज़रूरी है, और फिर उसके अनुसार उन गांवों से क्या क्या जाए, कर वसूला जाए, राजस्व लिया जाए। मतलब ये जो व्यवस्था थी, नई व्यवस्था, इसके अंतर्गत ये हुआ कि प्रत्येक गांव में जा जाकर खेतों को जांचा गया, मापा गया, ज़मीन देखी गई, ज़मीनों का टेस्ट हुआ, सर्वेक्षण किया गया, और फिर उस गांव में राजस्व तय किया गया कि इस गांव से इतना राजस्व आना चाहिए, और समय समय में इस राजस्व में बदलाव होंगे, और ये जो राजस्व लेने का और कर लेने का जो ठेका है, पहले ज़मींदारों को दिया था, लेकिन अब गांव के मुखिया को दिया गया। दरअसल ब्रिटिश के अंदर गांव के समूह को
ग्राम के जो समूह है उसको महल कहते थे। तो इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त कहा गया, महलवारी बंदोबस्त। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्थाई बंदोबस्त था जो 1793 में लागू हुआ और उसके बाद में नए सुधार हुए, नए बदलाव हुए, और नए बदलाव में एक नया जो व्यवस्था है, नई व्यवस्था महलवारी व्यवस्था, महलवारी जो बंदोबस्त है 1822 में इसको लागू किया गया। ये जो व्यवस्था है ये तैयार किसने की थी, होल्ट मैकिन जी ने, और सबसे पहले यहाँ पर लागू किया। इस महलवारी बंदोबस्त के तहत अंग्रेज़ों ने खेतों को जांचा, मापा, वहाँ का संरक्षण किया, और फिर गांव के समूह पर ये राजस्व लेने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंपा। पहले क्या होता है, पूरे ज़मींदार के तहत उन्होंने राजस्व तय किया था, लेकिन अब इस नीति के तहत राजस्व बदला जा सकता है समय समय पर, और प्रत्येक ज़मीन पर किसानों से हिसाब लगा कर के इस किसान से इतना राजस्व आना चाहिए, इस किसान से इतना राजस्व, फिर उन्होंने राजस्व तय किया। और अब ज़मींदार से ये जो राजस्व लेने का काम है वो मुखिया को सौंप दिया गया, और इस प्रकार से ये नई व्यवस्था लागू की गई। तो जो नया बदलाव हमको दिखाई देता है महलवारी का, तो इस महलवारी बंदोबस्त को याद रखना है कि होल्ट मैकिन जी ने लागू की थी और 1822 में लागू की, इसके तहत क्या होता है मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। तो खेती में सुधार के लिए अब तक अपने पास में दो बंदोबस्त आए हैं, स्थाई बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त। ये उत्तर भारत में था, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर भी नई व्यवस्था लागू की गई, और दक्षिण भारत में जो व्यवस्था की गई उसको रेतवारी कहा गया। तो दक्षिण भारत में भी क्या हुआ, दक्षिण भारत में भी खेती के सुधार में राजस्व वसूलने के लिए रेतवारी बंदोबस्त लगाया गया, रेतवारी व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत दरअसल ये जो रेतवारी हैं वो दो अंग्रेज अधिकारियों ने मिल करके की थी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और मुनरो, जिसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और मुनरो ने ये व्यवस्था लागू की, दरअसल कहाँ पर, दक्षिण भारत में रेतवारी। उनको मानना था कि अगर हमको राजस्व लेना है गांवों में जो प्रमुख इकाई है समाज, उस समाज के साथ में जुड़ना पड़ेगा, समाजों का सम्मान करना पड़ेगा, और एक तरह से समाजों की रक्षा अंग्रेज़ों के हाथ में है, तो पिता के रूप में अंग्रेज़ों को रहना पड़ेगा, तब हमको राजस्व मिलेगा। तो ये जो राजस्व सौंपने का काम है वो इनके हाथ में आ गया था, रीड के पास में, मुनरो के पास में, और उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। ये जो व्यवस्था है वो वैसी व्यवस्था है जैसे महलवारी है, ये महलवारी जो व्यवस्था है उत्तरी भारत में है, और रेतवारी व्यवस्था कहाँ है, दक्षिण भारत में है। तो ध्यान रखना है कि रेतवारी जो व्यवस्था है दक्षिण भारत में है, और ये किसने लागू की है, मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है। मतलब इनका ये मानना था कि अगर गांवों से हमको राजस्व लेना है तो परंपरागत जो ज़मींदार हैं उनसे नहीं, सीधे किसानों से हमको जमीन राजस्व लेना चाहिए, और किसानों के जो राजस्व लेने का जो काम है किसानों की ज़मीन पर, वो उन व्यक्तियों को देना चाहिए जो उस ज़मीन पर पुराने समय से, उनके पिता भी उस ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों से सीधा हमको कर लेना चाहिए और राजस्व लेना चाहिए, और ये काम उनको देना चाहिए ताकि वो समय समय पर अपनी ज़मीन पर खेती करते जाएंगे और राजस्व देते जाएंगे। तो मुनरो की व्यवस्था थी रेतवारी, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो ने व्यवस्था लागू की दक्षिण भारत में, जिसका नाम था रेतवारी। इसके तहत क्या होता था कि जमींदार परंपरागत रूप से ज़मीनों से राजस्व लेने का काम करते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था के तहत अब ज़मीन के जो मालिक हैं किसान,
जो पुराने समय से उसी ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं उनको ही राजस्व देने का हक है और वो सीधे रूप से अंग्रेज़ों को राजस्व देंगे। इस प्रकार से ये आकलन किया गया कि इस ज़मींदार को या इस व्यक्ति को, किसान को इतना कर देना पड़ेगा, खेती को मापा गया, इसके अंतर्गत आकलन भी किया गया और संरक्षण भी किया गया। इस प्रकार से खेती में सुधार भारत में होते गए, अंग्रेज़ों ने सुधार किए और ताकि उत्पादन बढ़ सके और उत्पादन से राजस्व बढ़ सके और राजस्व से किसानों का व्यापार बढ़िया ढंग से हो सके। लेकिन तो भी ठीक नहीं था, तो भी अंग्रेज़ों की जो लालच नीति है वो कम नहीं हुई। अंग्रेज़ों को लगता है कि अभी भी हमको कुछ ऐसी नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी जिससे नए बदलाव आए। नई व्यवस्थाएं बनाई तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कोई समस्या नहीं आई, समस्या भी हुई। अधिकारी बहुत राजस्व लेते थे, बीच में जिन लोगों को राजस्व लेने के लिए रखा गया वो बीच में ही राजस्व खा जाते थे, पैसा लेकर भाग जाते थे और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब राजस्व बढ़ाने का क्या तरीके थे, उन तरीक़ों की भी बात करेंगे कि राजस्व बढ़ाने के कौन कौन से तरीके थे। तो अपन आगे बात करते हैं कि अब धीरे धीरे क्या होने लग गया कि जो नई व्यवस्था लागू की उन व्यवस्थाओं से सुधार नहीं हुआ। तो अंग्रेज़ों को लगा कि जिन फसलों की खेती यूरोप में होती है क्यों नहीं उन फसलों को भारत में बोया जाए। तो आज का जो टॉपिक है यूरोप के लिए फसलें, यूरोप के लिए फसलें, मतलब पहले खेती सुधार में नए नए बदलाव किए लेकिन अब अंग्रेजों को लगा कि खेती में सुधार नहीं हो रहा है, कोई खास समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने यूरोप में जो जिन वस्तुओं की सबसे ज़्यादा मांग है, जिन फसलों की ज़्यादा मांग है उन चीज़ों की, वो सीधे भारत में तैयार की जाएँ। उस समय भारत के अंदर उन दो चीज़ों की खेती सबसे ज़्यादा की जाने लगी, जिन दो फसलों की मांग यूरोप में सबसे ज़्यादा थी वो तो है अफीम एक नील, अफीम और नील की खेती की जाने लगी। अंग्रेज़ों ने इन दो यूरोपीय चीज़ों को भारत में उगाने के लिए मजबूर किया भारत के लोगों को, अफीम और नील। अफीम सभी जानते हैं एक नशीली चीज़ है और नील एक प्रकार का एक पौधा होता है जिसे नीले नीला रंग बनता है। दरअसल ये जो नीला रंग है वो वॉर्ड नामक यूरोपीय पौधे से काफ़ी अच्छा नीला रंग बनता है। यूरोप के अंदर भी नीला रंग जिनसे बनाया जाता है नीला और बैंगनी, वो वॉर्ड नामक पौधे से बनाया जाता है। लेकिन उस पौधे से जो रंग निकलता है वो कोई ख़ास चमकदार नहीं है, हल्का और फीका कलर है। लेकिन जो नील पौधे से नीला कलर बनता है, एक चमकदार कलर है, इसकी बनावट भी, मतलब जो कलर जिससे लगाया जाता है ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहता है। तो नील की मांग और अफीम की मांग यूरोप के बाज़ारों में काफ़ी थी। अंग्रेज़ों को लगा है कि हम यहीं से इनका उत्पादन करें और अपने व्यापार को बढ़ाएं। और अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों को अफीम की खेती करने के लिए और नील की खेती करने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया। अंग्रेज़ ये चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े लेकिन भारतीय किसानों को मजबूर करके भारतीय किसानों की हालत और दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी। जिन भारतीय किसानों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं, वो अनाज खाने वाले अनाज उगाते थे, अब उनको वहाँ पर नील की खेती उगानी है। दरअसल 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेज़ों ने पूरा जोर दिया। ऐसा नहीं है कि नील की खेती और अफीम पर जोर दिया, अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों के लिए जोर दिया गया। जैसे बंगाल में पटसन, पटसन जानते हो जिसे बोरियाँ बनती हैं, एक प्रकार का जूट जिसको कहते हैं। असम में चाय के ऊपर जोर दिया उन्होंने,
बंगाल में पटसन पर जोर दिया, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ पर गन्ने के लिए जोर दिया गया, और पंजाब के अंदर गेहूं पर जोर दिया, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल पर जोर दिया। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज अफीम और नील की खेती के साथ साथ में दूसरी और चीज़ों पर, फसलों पर उत्पादन के लिए वो जोर देते थे किसानों को कि आपको ये उगाना है। जैसे बंगाल में पटसन पर जोर दिया उन्होंने, ठीक है, असम के अंदर चाय उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया, पंजाब के अंदर गेहूँ उगाने के लिए, इसके अलावा महाराष्ट्र में और पंजाब में कपास के लिए भी उन्होंने काम, उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए और मद्रास में चावल के लिए ज़बरदस्ती लोगों को कहा गया, किसानों को कहा गया। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन भारतीय किसान जो नील की खेती कर रहे थे, यहाँ से उस नील की खेती करने वाले किसानों को कम रुपयों में नील की फसल ली जाती थी, और वो जो अंग्रेज हैं वो उस नील की खेती के बाद जो नील उनको मिलता था जो यहाँ से कम पैसों में ख़रीदते थे यूरोप के बाज़ारों में, जिसकी मांग ज़्यादा थी, जिसकी कीमत भी महंगी थी, ऊँची थी, वो वहाँ पर बेचते थे और फिर अपनी आमदनी, अपना व्यापार बढ़ाते थे। दरअसल नीला कलर चमकदार कलर है जिसका प्रयोग कपड़ों पर किया जाता है, डिजाइन पर किया जाता है। किताब जब आपके पास में आएगी तो किताब के अंदर नील के कलर की, नीले कलर की दो तीन डिजाइन भी हैं, आप उनको देख पाएंगे। तो इस प्रकार से नील की खेती की जाती थी भारत के अंदर, और नील की जो खेती की जाती थी फिर उसका जो नीला कलर है उसका प्रयोग यूरोप के बाज़ार के अंदर होता था। मॉरिस के अंदर जो छापा खाना है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन बात ये समझनी है कि जो नील की खेती है उसकी मांग भारत में क्यों, खेती दरअसल भारत में क्यों, इस बात को समझेंगे कि केवल भारत के अंदर ही नील की खेती क्यों की जाने लगी। अब जो टॉपिक है भारतीय नील की मांग क्यों थी, दरअसल जो नील का पौधा है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है। नील का जो पौधा है वो किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है और उगाया जाता है, उसकी खेती होती है, वो जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब ये होता है ऐसी जलवायु जहाँ बरसात के साथ में खेती भी हो, खेती मतलब खेती तो की जाती है दरअसल, जहाँ बरसात हो अच्छी, गर्मी बढ़िया पड़े, जो एक तरह से गर्म इलाकों में है वो जो उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं वहाँ पर नील की खेती होती है। तो ये जो जलवायु है जो भारत में पाई जाती थी उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और यहाँ पर नील की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु थी, इसलिए भारत के अंदर नील की खेती की जाती थी। दरअसल 13वीं शताब्दी सदी तक इटली हैं, फ्रांस हैं और ब्रिटेन के अंदर जो भी कपड़े थे उन कपड़ों पर जो नीला कलर है वो भारत के नील के पौधों से बना हुआ ही नीला कलर होता था। 13वीं शताब्दी से पहले जो ब्रिटेन, फ्रांस और ईरान जैसे बड़े देश हैं वहाँ जो नीले रंग का जो प्रयोग होता था वो भारत के इस नील खेती से ही लिया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ के अंदर बदलाव हुए और यूरोप के अंदर भी एक पौधा था जिसका नाम था वॉर्ड। इस वॉर्ड से भी बैंगनी कलर और नीला कलर बनाया जाता था, बैंगनी और नीला कलर। लेकिन इस वॉर्ड नामक पौधे से जो बैंगनी और नीला कलर बनाया जाता था
ये थोड़ा फीका था, ज़्यादा चमकदार नहीं था। ये एक जो पौधा है वो शीतोष्ण पौधा है, वहाँ की जो जलवायु शीतोष्ण है, वो शीतोष्ण जलवायु के होता है, जहाँ गर्मी और सर्दी हो ऐसी जलवायु। तो वोड नामक जो पौधा है जो यूरोप के अंदर होता था, वो शीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। इससे जो बैंगनी और नीला कलर बनता था, वो इस नील के जो पौधा है उससे थोड़ा कम चमकदार था, इसकी मांग भी कम थी। जब कभी भी बाज़ारों में ऑप्शन आता था कि ये कपड़ा नील के पौधे से रंगा गया है, नील की खेती से, नील से रंगा गया है, तो उसकी मांग ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें चमक थी और लोगों को पसंद भी था। इससे क्या होने लग गया कि जो किसान या जो व्यापारी वॉर्ड, जिससे वॉर्ड के पौधे से जो कलर बनता था बैंगनी और नीला कलर, उसे कपड़े को रंगते थे। और जब नील के पौधे की मांग बढ़ती गई तो इनका जो व्यापार है वो कम होता गया। तो इन्होंने सरकार पर ये पाबंदी लगाने के लिए कहा गया कि जो बाहर से जो नील आ रही हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए, आयात को रोका जाए। ज़बरदस्ती सरकार पर इस प्रकार के नियम बनाने के लिए कहा, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला। तो जो यूरोपीय बाज़ार हैं, यूरोपीय देशों के अंतर्गत, जिसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, इनमें इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होने लगी वॉर्ड के पौधे में, वॉर्ड में और नील में। लेकिन हर कोई नील के पौधों को पसंद करता है क्योंकि चमकदार कलर है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे नील की मांग बढ़ती गई। अंग्रेज भारत के अंदर नील उत्पादन करने के लिए गरीब किसानों को बाध्य करती थी और कम पैसों में यहाँ से नील खरीदती थी और फिर यूरोप के बाज़ारों में बेचती थी। और वहाँ के लोगों को लगा कि अब हमको भी नील की खेती करनी चाहिए। तो जहाँ पर उचित जलवायु पाई जा रही है, जहाँ पर नील की खेती हो सकती है, वहाँ पर अनेक नील के बागान भी मिलते हैं। समय के साथ में वहाँ नील के बागान बनाए गए और एक तरह से भारत के अंदर जो नील की खेती है और जो नील उत्पादन है वो भारत के अंदर है ही तो है, इसके अलावा यूरोप के अनेक देशों के लिए महत्वपूर्ण नील की खेती है और उसकी मांग हमेशा बनती रही है और बढ़ती गई है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब औद्योगिकरण हुआ, कपड़ों की जो मांग बढ़ने लगी, नील की खेती की भी मांग बढ़ी और किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती के लिए अंग्रेज़ों ने भारत में बाध्य किया। तो ये जो फसलें हैं जिसकी बात करती हैं ये किताबें, और इन किताबों के अंतर्गत हम ये भी समझते हैं किस प्रकार अंग्रेज़ों की नीतियाँ भारत के अंदर आती हैं। तो अपने ये समझ लिया कि किस प्रकार नए सुधार हुए, नई नई फसलें भारत में उगाई जाने लगी, अंग्रेज़ किन किन फसलों को भारत में उगाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर करते थे, इस सब की बात कर ली। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।